साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती है तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब से गरीब तक पहुंच रही है, तो गरीब को भी पहली बार एहसास हो रहा है कि आज जो सरकार है वो उसका दर्द समझती है, उसकी परेशानी भी समझती है। आज बहुत ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार यूपी के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में जुटी है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे, इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई, होती गई, होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो, लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए।